या रिवर्स? मेरे पास मत आना। उन्होंने मुझे बताया कि तुम रोड नंबर 23 की दुर्घटना से जुड़ी हो। पता नहीं तुम्हें कैसे बताऊं, पर मैंने वो दुर्घटना होने के पहले ही देख ली थी। मैंने कुछ लोगों को बचा लिया। और तुम्हें डर है कि मौत तुम्हारे पीछे है? बहुत अच्छे, मौत से बचना हो तो यहां आकर रहने लगो। और कुछ? दुर्घटना से बचे लोगों में से कल एक की मौत हो गई, क्या पता सबकी जान खतरे में हो। वैसे अगर वो तुम्हारी लिस्ट में है तो उन्हें जाना ही है। किस तरह की लिस्ट? मौत की लिस्ट। फ्लाइट 180 के यात्री ठीक उसी क्रम से मारे गए जिस क्रम से वो विमान दुर्घटना में मरते। यही मौत की तयशुदा योजना थी। ये है लिस्ट। पूर्वाभास में मैं अपने दोस्तों के साथ मर गई थी तो अब मेरी बारी है। पर तुमने कहा कल रात किसी की मौत हुई है, यानी कोई तुम्हारे और मौत के बीच है। ऑफिसर बर्क ने मुझे बचाया था जब मेरे दोस्तों की जान गई थी। नसीब वाली हो, तुम्हारी बारी आखिर में आएगी। लेकिन डरो नहीं, मौत सबको मारकर फिर तुम्हारी ओर आएगी। वो ऐसा ही करती है। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुमने अभी का सब मौत के तयशुदा योजना के तहत मरते हैं, लेकिन मेरे पूर्वाभास में मेरे दोस्त सबसे आखिर में मरे थे, पहले नहीं। आखिर में? यानी ये उल्टा क्रम, तुम्हें यकीन है? मेरे पूर्वाभास के हिसाब से वो औरत नोरा, उसका बेटा, फिर इवान, फिर मैं और मेरे दोस्त मरे थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एलेक्स भी अक्सर यही कहता था। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्लियर? संकेतों पर ध्यान दो। क्या तुमने कोई अजीब सी चीज या कोई अपशगुन होते देखा है? यानी कुछ ऐसा जिसका कोई मतलब हो? हाँ, रेडियो पर वो गाना, बियर के ट्रक का वो ड्राइवर, सड़क की हर चीज में कोई मतलब था। उन्हें नजरअंदाज मत करना। उन संकेतों को पहचानने का मतलब है जिंदगी और मौत में से एक को चुनना। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पर तुमने मौत को हराया है। यहाँ देखो जरा, मैंने किसको हराया है? किम्बली, समझदारी दिखानी है तो खुद को बचाओ और औरों को भूल जाओ। ऐसा कैसे कह सकती हो? ये जिम्मेदारी तो उठानी होगी। मेरे सभी दोस्त मारे गए, इसीलिए तुमसे ये कह रही हूँ। एलेक्स की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी, क्या हुआ उसे? चली जाओ, इसके पहले कि हम दोनों को नुकसान पहुंचे। जानती हो? वो क्या? तुम कायर हो। तुम यहाँ इसलिए छुपी हो क्योंकि तुम डरपोक और स्वार्थी हो। मेरे ख्याल से तो मौत आने से पहले ही तुम मर चुकी हो।